नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कुछ दिन पहले मेला था जिसके कारण मैं अपने चैनल पर लगातार वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था। दोस्तों अब मेला खत्म हो चुका है। दोस्तों अब आप सबको प्रतिदिन इस चैनल पे लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलती रहेगी। वही दोस्तों आप लोग बता दें कि शुक्रवार को हरदाटाल से हजडिया के बीच जो रेलवे लाइन का CRS होना था वह हुआ और हुआ बिल्कुल सफल भी रहा। आप सबको लास्ट में एक जानकारी देंगे, उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप सबके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज वही होने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, क्या कुछ हुआ और दोस्तों जो हरलाटा और मोहनपुर के बीच CRS का निरीक्षण हुआ था उसका क्या हुआ, कब से ट्रेन चलेगी, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमेशा इस चैनल पर गुड न्यूज से रिलेटेड आप सबको वीडियो देखने को मिलते रहती है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो शुक्रवार को पूरा रेलवे के मोहनपुर हजडिया सेक्शन पर हजडिया और हरदाटाल स्टेशन के बीच नवनिर्मित इलेक्ट्रीफाइड 22.13 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन का गुड्स और पैसेंजर और यात्री यातायात के परिचालन के लिए रूट को खोले जाने के लिए निरीक्षण किया गया है। मोहनपुर और हजडिया के बीच का जो नया निर्मित जो रेल लाइन बिछाया गया था उसका जो CRS का जो निरीक्षण है वो पूरा तरीका से कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द ही घोषणा कर दिया जाएगा कि इस ट्रैक पर कब से ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। यहाँ पर दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी निर्मित BK श्रीवास्तव मंडल, रेल प्रबंधक आसनसोल परमानंद शर्मा के अलावा पूर्व रेलवे मुख्यालय और आसनसोल मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। हजडिया और हरलाटाल स्टेशन के स्टेशन परिसर, पैनल रूम, रिले रूम, IBS रूम, इमरजेंसी काउंटर, सिग्नल सिस्टम, डिस्कनेक्शन, रिकनेक्शन और इंटरलॉकिंग सिस्टम का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में रेलवे सुरक्षा आयोग ने नई लाइन पर हजडिया और हरलाटाल स्टेशन के बीच मोटर ट्रॉली निरीक्षण किया जिसमें पुलों, रेलवे ट्रैक फिटिंग, रेलपथ संपर्दा और संपार फाटकों का भी निरीक्षण के बाद हरलाटाल से हजडिया स्टेशन तक नई लाइन का स्पीड ट्रायल भी किया गया। आप लोग बता दें कि हजडिया से हरलाटाल के बीच स्पीड ट्रायल को भी किया गया जहां पर दोस्तों कुल 12 कोच के साथ इस ट्रायल को चेक किया गया। लेकिन दोस्तों आप लोग बता दें कि जो चेक हुआ मात्र 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हुआ था। वही दोस्तों मोहनपुर से हरलाटाल के बीच जो स्पीड ट्रायल हुई थी वह 120 किलोमीटर की रफ्तार से हुई थी। तो क्या कुछ है आप सबको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों आप लोग महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, मोहनपुर से हजडिया के बीच नई निर्मित जो रेल लाइन बिछी थी उसका CRS का जो निरीक्षण हुआ था वह पूर्ण तरीका से सफल रहा। वही दोस्तों मोहनपुर से हरलाटाल के बीच जो CRS हुआ था उसकी जो स्पीड ट्रायल हुई थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हुई थी। वही दोस्तों हरलाटाल से हजडिया के बीच जो स्पीड ट्रायल हुआ था वह मात्र 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हुआ था। वही दोस्तों आप लोग बता दें कि मोहनपुर से हरलाटाल के बीच कभी भी ट्रेन का परिचालन शुरू हो सकती है लेकिन हरलाटाल से हजडिया के बीच अभी कुछ समय लगेगा, इसके बाद फिर मोहनपुर और हजडिया के बीच ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। वही दोस्तों सबसे पहले जो ट्रेन खुलेगी वो देवघर से गोड्डा के लिए खुलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। तो ये जानकारी मिला था, बाकी कुछ और जानकारी मिलेगा तो वीडियो के माध्यम से आप सबको पता चल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आप सबको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में जरूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे हमेशा गोड्डा से रिलेटेड अपडेट आप सबको मिलते रहती है। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।